बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा संघ की ओर से 11वीं विशाल बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा ले जाई जा रही है। इस यात्रा में काफी संख्या में श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं। क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, क्या बच्चे और क्या पुरुष, सभी बढ़ चढ़कर इस यात्रा में हिस्सा लेते हैं और इंतजार करते हैं बाबा बूढ़ा अमरनाथ मंदिर पहुँचने के और इंतजार करते हैं वहाँ विराजमान बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली डाबरी के उस जगह पे जहाँ से हर साल इस यात्रा को ले जाया जाता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगी, अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगी जरा वो बस की तरफ अपने कैमरे को घुमाए। आप देख सकते हैं कि बस का काफिला यहाँ पर लंबा चौड़ा लगा हुआ है। लगभग 7 से 8 बसें यहाँ से जा रही है और साथ ही अगर गाड़ियों की बात करें तो उनकी संख्या भी बहुत है। इस यात्रा में कम से कम 500 लोग हर साल हिस्सा लेते हैं और ये वही पॉइंट है जहाँ से हर साल सावन के महीने में इस यात्रा को यहाँ से ले जाया जाता है नारियल फोड़कर, और साथ ही पूजा के बाद इस यात्रा को यहाँ से हरी झंडी दिखाई गई है। बाबा बूढ़ा अमरनाथ मंदिर जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में है और सभी लोगों को इंतजार रहता है कि वो जल्द से जल्द बाबा बूढ़ा अमरनाथ के मंदिर पहुँचे और उनके दर्शन करें। साथ ही आज से लगभग 11 साल पहले हमने इस यात्रा की शुरुआत की थी। बेसिकली क्या है, हमने हार्ट ऑफ द कंट्री रहते हैं, दिल्ली बेसिकली पूरे देश का दिल माना जाता है। दिल्ली में रहने वाले लोगों को ये नहीं पता कि बॉर्डर्स की स्थिति क्या है, जो आर्मी हमें सिक्योर कर रही है उनकी स्थिति क्या है। जैसे कि रक्षाबंधन वाले दिन भी वो हमारी सिक्योरिटी कर रहे होते हैं, पूरे वर्ष हमारी सिक्योरिटी करते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना दिल्ली के लोगों को, मतलब हार्ट ऑफ द कंट्री को भी पता चले कि वहाँ की सिचुएशंस क्या है और जो आर्मी हमें प्रोटेक्ट कर रही है वो किन स्थितियों में कर रही है। तो हमने एक ऐसी यात्रा शुरू करी जो सीमांत पर्यटन से लेकर, हमारी कोशिश है कि भारत के जितने भी सीमांत हैं, जैसे मणिपुर में मोइरंग हो गया, अपना जैसलमेर हो गया, इधर हम आ जाएं जम्मू में पुंछ हो गया हमारा, नीचे अंडमान निकोबार हो गया, तो हम चार धाम की वो यात्रा बनाना चाह रहे हैं जिसमें कि लोगों को भारत के बारे में पता चले। हमारी तरफ से लगभग 450 लोग इस बार भी हैं, लेकिन अगर हम वहाँ की बात करें तो लाखों लोग होते हैं जो वहाँ पर आते हैं। सर, बॉर्डर पे सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी इश्यूज होते हैं, तो ऐसे में किस तरह से मैनेज करते हैं? देखिए, अपने घर में रहने के लिए सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, भारत हमारा है, हम कहीं भी घूमें उसके लिए कोई सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। और इसमें कहना कोई मतलब दुराचार नहीं होगा कि जो इंडियन आर्मी है, हमारी पुलिस है, ये सब लोग हमें प्रोटेक्ट करते हैं और इतना सपोर्ट करते हैं कि हमें नहीं लगता कि हमें कोई हवा का तिनका भी टच कर जाए। पुंछ पहुँचने के बाद हमारा BSF के साथ और आर्मी के साथ कृष्णा घाटी में कार्यक्रम रहता है, हम लोग उनको तिरंगा भेंट करते हैं, उनके साथ आभार पर्व का कार्यक्रम करते हैं। जो हमारे साथ महिला शक्ति जाती है वो वहाँ पर राखी बांधती है आर्मी ऑफिसर्स को और उनका आभार व्यक्त करती है कि जो आप हमारे लिए कर रहे हैं हम उसका कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जो हमसे संभव हो पाएगा हम उसके लिए तैयार हैं। मैं तो यही शुभकामनाएं दूंगा कि बहुत अच्छा दिन चुनते हैं, हर साल 15 अगस्त का दिन स्वतंत्रता का दिवस है और भगवान इनकी यात्रा जिस मनोकामना से ये कर रहे हैं वो पूरी करें और इनकी यात्रा सुरक्षित और आनंद में हो। पिछले 2 वर्षों से इस यात्रा में भागीदारी करने का सौभाग्य मिला है, यह तीसरी बार है, जिसके कारण आज हम 5-स्टार लाइफ दिल्ली या देश भर में जी रहे हैं। ऐसे वीर जवानों को मिलने का सौभाग्य, साथ में बॉर्डर देखने का सौभाग्य, सौभाग्य की बात है कि मैं दूसरी बार यहाँ जा रहा हूँ। बूढ़ा अमरनाथ संस्था हर साल वहाँ बड़ा अच्छा कार्यक्रम करती है, भारत पर्व के ऊपर और 15 अगस्त के ऊपर अच्छे कार्यक्रम किए जाते हैं। सबसे अच्छा वही लगता है कि जब हमारी मातृ शक्ति वहाँ फौजियों को रक्षाबंधन करती हैं, वो फौजी जो सारे सरहदों के ऊपर हमारी सेवा करते हैं। मैं उनको शुभकामनाएं दूंगा कि आप लोग जो ये बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं, आप इसी प्रकार बाबा के प्रति समर्पित रहें और जो सहयोग आप सबके माध्यम से और हम सबके माध्यम से बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा संघ को मिलता रहे, हमेशा ऐसे ही मिलता रहेगा। और मैं सभी यात्रियों को शुभकामनाएं दूंगा कि आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, धन्यवाद। इस यात्रा में जाने वाले सभी यात्रियों को हर तरह की सुविधा मुहैया कराई जाती है और इस यात्रा को शुरू करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि सीमांत पर्यटन को विकसित करना, उसके बाद इस यात्रा को शुरू किया गया और अब ये यात्रा दिल्ली से पुंछ के लिए रवाना हो रही है। कैमरा पर्सन जिशान के साथ मैं चेतना चौधरी, नेशनल लाइव दिल्ली।